आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हम लोग परमात्मा भगवान अनंत विष्णु शिव कृष्णा राम जितने भी अवतार हुए जिन जिन के नाम सुने उनके ऊपर कभी किसी को बड़ा देखते हैं, किसकी पूजा करेंगे और लाभ होगा, इसको देखेंगे और फर्क होगा, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये पहले पैदा हुआ, ये बाद में हुआ, अनेकों सवाल मानव के जीवन में, हम लोगों के जीवन में जब साधना शुरू होती है आने लगते हैं कि कभी हनुमान जी बड़े नजर आए, जब नवरात्रे शुरू हुए तो माँ देवी बड़ी नजर आई, जब पूर्णिमा आई, एकादशी आई, विष्णु जी बड़े नजर आए, महाशिवरात्रि आई, शिव बड़े नजर आए। बहुत लोग सार तत्व को नहीं समझते, इस विषय से अनजान रह जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच रोक दी गई, सीमित कर दी गई, दायरा सीमित कर दिया गया, जो जिसकी पूजा के अंदर लग गया उसी के की तरफ बढ़ाते हुए चले गए, जोड़ते हुए चले गए, लेकिन ज्ञान आत्मा परम तत्व परब्रह्म ये शब्द तो रह गए लेकिन इनका ज्ञान नहीं हुआ। भागने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन लक्ष्य कुछ भी नहीं। कितना मात्र 50 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, जब तक ये जीवन है तब तक कुछ थोड़ी खुशियाँ मिल जाएं, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए, थोड़ी माया मिल जाए और थोड़ा सा जीवन सरल हो जाए, बस इतनी सी मानव की सोच, इतनी सी इच्छाएं, इतने बड़े लक्ष्य जो हम ले करके उतरे थे धरती के ऊपर कि मानव का जन्म लेंगे, कल्याण को प्राप्त होंगे, मानव का चोला मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति होगी, फिर से पृथ्वी के ऊपर नहीं आएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, हमारा आखिरी जन्म होगा, ये सोच करके जब ये जीव धरा के ऊपर उतर करके आता है, बहुत सावधानी के साथ बिल्कुल एक लक्ष्य ले करके कि आगे ऐसा नहीं होगा, बस एक बार मौका मिल जाए दोबारा से, मैं पृथ्वी पर दुखों का इतना घर है, लेकिन मानव को एक आदत लग चुकी है, जिस प्रकार से जहर का तोड़ जो तैयार किया जाता है घोड़े के साथ किया जाता है, उसकी नसों के अंदर धीरे धीरे जहर चढ़ाया जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, डोज बढ़ाया जाता है, तो उसके खून से जो दवाई तैयार होती है वो जहर को रोकने में बड़ी कारगर होती है, तो वो घोड़े के अंदर जो रगों के अंदर खून बहता है तो वो ये महसूस करता है कि मेरे अंदर खून चल रहा है, वो खून नहीं होता, वो जहर दौड़ रहा होता है। इसी प्रकार से मानव के अंदर, जीवन के अंदर जो हमें ये लगता है ये सांसारिक इच्छाएं, ये खेल, ये माया, ये सुख सुविधाएं, ये शारीरिक सुविधाएं, ये भौतिक वस्तुएं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सुख दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, अच्छा लग रहा है, हमें बस कुछ अक्षण के लिए मन संतुष्ट हो जाता है, भाग दौड़ कम हो जाती है, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमें ये लगने लगता है अरे बड़ा काम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया आज तो, इससे आगे नहीं हो सकता,
ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है, ये इस प्रकार हम सोचते रहते हैं। हमें उस जहर की, धीमे जहर की आदत लग गई है। हमें ये नहीं पता कि ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। जितना भी हम हाथ पैर मारेंगे, जितना भी कोशिश करेंगे, और दुखी होते जाएंगे, और परेशान होते जाएंगे। परेशान क्यों होंगे? क्योंकि कर्म के ऊपर कर्म की परत चढ़ती जाएगी। चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए, चाहे बुरा कीजिए, अच्छे का जो फल होगा वो सुख होगा, बुरे का जो फल होगा वो दुख होगा। जब तक ये दोनों प्रकार के कर्म समाप्त नहीं होंगे, जीवन मुक्त जीव नहीं हो सकता। कितना भी दौड़ो, कितना भी भागो, कितना भी प्रयास करो, कुछ लोग शुरू करते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैंने गुरु धारण कर लिया, मैंने तो बड़ा श्रेष्ठ गुरु बना लिया, उसके अंदर तो माता आती है, उसके अंदर तो हनुमान जी आते हैं, उनके ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन गुरु के तो घर बहुत दूर होते हैं, गुरु के ये चीज़ें आसपास भी नहीं होती। वो तो मस्त रहता है परमात्मा के अंदर, वहाँ परमात्मा के सिवा कोई दूसरी ताकत काम नहीं करती। परमात्मा के अलावा वहाँ किसी की सुनाई नहीं होती। वहाँ रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, सुख समृद्धियाँ, योगनियाँ सब गेट के बाहर खड़ी रहती हैं, द्वार के बाहर प्रतीक्षा करती रहती हैं सब कुछ, कि वहीं पर बाहर की बाहर जीवों की परीक्षा लेती हैं, बाहर से लौटा देती हैं। वहाँ का जो खेल होता है वो अलग ही होता है। इतिहास को जब आप उठा उठा करके देखोगे, माया तो संतों की दासी होती है, बाहर खड़ी रहती है, इंतजार करती है कोई आदेश आए, उन्हें जरूरत ही नहीं होती। मीरा को देखिए आप, हीरा लटका करके आ गई कि रविदास झोपड़ी में रहता है। अरे तुम्हारा गुरु तो बहुत गरीब है, तुम झोपड़ी वाले के पास रहोगी, ऐसे कैसे गुरु है ये कुछ नहीं जानता। क्योंकि ये आज से नहीं है कि ये भौतिक वस्तुएं देख करके लोग भागते हों, भौतिक वस्तुएं देख करके लोग फंसते हों। ये कलयुग का जब प्रभाव हुआ तो संतों के रूप ले ले करके और ये माया बैठ गई, क्योंकि जो जीव है वो भाग रहा है। किस लिए? कल्याण के लिए, जागने के लिए, परमात्मा की खोज के लिए, प्राप्ति के लिए, कि किसी प्रकार से रास्ता मिले, कोई मंजिल मिल जाए, कोई राह दिखाने वाला मिल जाए, हमारा कार्य हो जाए, किसी प्रकार से हम उठ जाएं, कल्याण हो जाए, आगे जन्म ना हो, जीवन मरण का चक्कर छूट जाए। जीव प्रयास करता है, लेकिन समर्थ गुरु बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में, बहुत मुश्किल।